Hey guys, welcome back to my channel Fashion Lover Tanushree and welcome back to another vlog. So आज मैं आप लोगों के साथ एक vlog शेयर करने वाली हूँ. Like quarantine में evening time में specially हम लोग क्या करते हैं. तो अभी 5 बजे not exactly 5, so 5:15 ऐसा बजा है. So मैं आप लोगों के साथ ये vlog अभी start कर रही हूँ, तो देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं सोई हुई थी, मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ. लाइक फ्रेश मीन्स अभी उठी हूँ नींद से. देन अब मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ. अभी तो हमारा टी टाइम है, तो मैं सबसे पहले टी बनाऊँगी एंड देन मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी. सो या लेट्स गो. ओके, तो मैंने चाय के लिए पानी उबालने के लिए बिठा दिया है. अब हम तैयारी करते हैं हमारी क्रिस्पी चिली पोटैटोज़ की. उसके लिए आप देख सकते हो मैंने ऑनियंस, चिली और यहाँ पे सॉस वगैरह और पोटैटो रख दिए हैं. पोटैटो मैंने सुबह पे ही चॉप कर लिया था. आप देख सकते हो जैसे फ्रेंच फ्राइज में हम लोग काट करते वैसे मैंने काट किया. वैसे आप दूसरे तरीके से भी काट कर सकते हो, और मेरी चॉपिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मतलब ऐसा ही है सब कुछ, मतलब इवन नहीं होता मेरा, तो बस ऐसे ही. तो उसको मैंने क्या किया था, सुबह पे ही काट के पानी में डुबो के फ्रिज पे रख दिया था. वैसे भी ठंडा ठंडा ना फ्राई जो पोटैटो होते बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, तो अब मैं उसको छान ले रही हूँ. सो अब हम पोटैटोज़ में ऐड करेंगे सॉल्ट एंड मैंने यहाँ पे ऐड किया है मैदा. आप लोग कह सकते हो ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है वो ऐड किया है, बट आप लोग अगर मैदा ऐड नहीं करना चाहते हो तो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो. दोनों से ही पोटैटोज़ क्रिस्पी बनती है. मेरे पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मैदा डाला है. अब अच्छी तरीके से पोटैटोज़ को मैं मिक्स कर लूँगी. जैसा कि आप लोग देख रहे हो अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि जब इसको फ्राई कर ले हम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने. ओके, तो अब कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है. टू टीस्पून के करीब मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला. टू टीस्पून या 2.5 टीस्पून डाला है मैंने. एंड आप लोग चाहो तो रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हो. तो अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी. यहाँ पे मेरा जो चाय था वो भी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है. अब इसको मैं छान लूँगी, टी को मैं फिल्टर कर लूँगी एंड उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा. अभी गरम हो चुका है, अब हम अपनी तैयार किया हुआ पोटैटोज़ को इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे. जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी की पोटैटोज़ में ऐड करती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी. जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसको अच्छे से फ्राई करना है. तब तक फ्राई करना है जब तक ना ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले. आप लोग देख सकते हो उसको फ्राई करते करते पोटैटो का जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डनिश येलो हो जाएगा, तब हम इसको उठा लेंगे. मेरी पोटैटोस अभी फ्राई हो गए, आप लोग देख सकते हो आधा पोटैटोस मेरा फ्राई हो चुका है. उसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है. उसके बाद जो बाकी पोटैटोस बचे हैं उसको भी मैं इसी सेम तरीके से फ्राई करके जैसे ही गोल्डन हो जाएगा वैसे मैं बोल में इसको मैं निकाल लूँगी. और गाइस मैंने यहाँ पे 3 पोटैटोज़ लिया है और मैंने ऑनियन लिया है 2 ऑनियन और 4 ग्रीन चिली मैंने लिए है. सो गाइस मेरी सारी पोटैटोज़ फ्राई हो चुकी है. अब आप देख सकते हो कढ़ाई में मेरा ऑयल है, तो उसी ऑयल में मैं ऑनियंस जो चॉप किए थे, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा मैंने 2 ऑनियन चॉप किए थे, तो वो ऑनियन मैं इसमें डाल दूंगी. सबसे पहले ऑनियन को मैं फ्राई कर लूँगी. लाइक थोड़ा सा जब ऑनियन कुक हो जाएगा 2 to 3 मिनट्स मैं इसको कुक कर लूँगी. देन उसके बाद मैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन चिली रखे काट के वो डाल दूँगी. सो गाइस आप देख सकते हो मैं ऑनियन को फ्राई कर रही हूँ और ऑनियन मेरे ऑलरेडी 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं. अब मैं इस पर ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ. मैंने 4 ग्रीन चिलीज लिए हैं. आप चाहे तो अगर आपको बहुत तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा चिलीज भी ले सकते हो. ऑफकोर्स ये तो क्रिस्पी चिली पोटैटोज ही है. सो अब मैं इसको भी 2 to 3 मिनट्स अच्छे से कुक कर लूँगी.
सो अभी मेरा 2 to 3 मिनट्स कुक हो चुकी है। अब मैं इस पर नमक ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और मतलब मिक्स कर लूँगी अच्छे से, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ओके, तो से सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं 2 teaspoon फुल 2 teaspoon ऑलमोस्ट मैं ग्रीन चिली पाउडर सॉरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो इसे कलर भी काफ़ी अच्छी तरीके से रेड आ गया। एंड या इसको ऐड करने के बाद मैं फिर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा कुक कर लूँगी। देन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टोमेटो सॉस, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने सॉस और ग्रीन चिली ऐड करने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आ गया और एकदम नेचुरली रेडिश कलर आ गया, जैसे कि आप क्रिस्पी चिली पोटैटो चिली पोटैटोज में खाते हो तो ऐसा वाला कलर आ गया। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और कलर चाहिए तो आप फूड कलर ऐड कर सकते हो। मेरे पास कोई कलर था भी नहीं और मुझे करना भी नहीं था, बिकॉज नेचुरली जब कलर आ रहा है तो क्यों आर्टिफिशियली जाए। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आ गया मेरा। अब इसको अच्छी तरीके से मेरा कुक कर लिया मैंने। अब इसके बाद मैं जो पोटैटोज फ्राई करके रखे थे उसको इसमें ऐड कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं उसको मैं धीरे धीरे सारे पोटैटोज जो है इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरीके से सबको मिक्स करके थोड़ा सा कुक करूंगी। सो अभी मैं इसको अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी। आप लोग देख रहे हो इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लूँगी और ऑलमोस्ट हमारा रेसिपी जो है रेडी है। बस 2 चीज़ ऐड करने हैं जो एकदम ऑप्शनल है, सो वो मैं आपको बताती हूँ। इसको अच्छी तरीके से पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, देन मैं वो 2 चीज़ जो मैंने ऐड किए हैं जो जहाँ मैंने रेसिपी देखी थी वहाँ पे नहीं था मैंने ऐड किए वो मैं आपको बताती हूँ। बट गाइस मैं वो बहुत अच्छी कुक तो नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ट्राई करती हूँ और बस ऐसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो दिन में ऐड करूंगी यहाँ पे सांभर मसाला जिससे थोड़ा चटपटा स्वाद आ जाएगा। ऐड कर लिया और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शुगर भी ऐड किया है। दोनों चीज़ ही बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए, लाइक मीठा तो नहीं बनेगा इतना चिली डाला है हमने, थोड़ा सा स्वाद के लिए मैंने दिया है, आप इसको दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। और सांभर मसाला भी बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने ऐड किया है। आप चाहो तो चाट मसाला भी मतलब ऐड कर सकते हो, इससे ना काफ़ी चटपटा सा एक स्वाद आ जाता है, तो इसीलिए मैंने बस ऐड किया है। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करके इसको मैं एकदम सर्व करने के लिए निकाल लूँगी। गाइस हमारा क्रिस्पी चिली पोटैटो रेडी टू सर्व है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दिया है क्योंकि मुझे सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। गाइस अभी बजे है ऑलमोस्ट 7:25 और मैंने आपके साथ पूरा रेसिपी शेयर करा है वो चिली क्रिस्पी चिली पोटैटो का। तो मैं अभी वो टेस्ट करने वाली हूँ, अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है बिकॉज अभी मेरा कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था वो मैं कर रही थी, तो अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ एंड देन आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। मैं उसका लुक तो आपको दिखा ही चुकी हूँ, अब मैं उसको टेस्ट करूँगी एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो हे गाइस, तो आप लोगों ने देखा मैंने क्रिस्पी चिली पोटैटो बनाया, खा भी लिया और मेरी मम्मी पापा को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे घर में 3 ही लोग हैं, हम लोग 3 ही लोग हैं, तो मेरे घर में 3 ही लोग हैं, मैं मेरी मम्मा और पापा, सो सबको अच्छा ही लगा। मुझे भी काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी तीखा तीखा और अच्छा भला चटपटा सा बना था, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ईजी रेसिपी है। और मैंने ना इस क्वारंटाइन टाइम में काफ़ी कुछ ट्राई किया, लाइक यूट्यूब से देख के मैंने ट्राई किया, जैसे कि मैंने वो डालगोना वाला कॉफ़ी ट्राई किया, उसका पिक मैं यहाँ पे आपको दे दूँगी, आप लोग बताना कैसा बना है। और फिर मैंने वो ओरियो मार्क केक भी ट्राई किया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस आप लोगों ने क्या क्या नया रेसिपीज ट्राई किया इस क्वारंटाइन में। और ये जो व्लॉग है ऑलमोस्ट मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 9:30 ऐसा मतलब ऐसा बजा है एंड अब थोड़ी देर बाद
थोड़ा बहुत अभी काम वगैरह है, उसके बाद हम डिनर करेंगे। और अभी और कुछ है नहीं, मैं सोच रही थी कि और एक वीडियो मैं शूट करूँगी, सो देखते हैं मैं क्या कर पाती हूँ। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बेसिकली इवनिंग टाइम मेरा ऐसे ही जाता है, इवनिंग टाइम में मैं थोड़ा बहुत बिजी रहती हूँ। पहले तो कुछ स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ, अभी मेरा नया शौक है, मैं बनाती हूँ कुछ। देन उसके बाद मेरा ऑनलाइन क्लासेस लेना रहता है, तो अभी तो सब कुछ ऑनलाइन में ही है, तो वो रहता है। तो उसके बाद या फिर मैं फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा बहुत बात करती हूँ, घर वालों से बात करती हूँ, एंड बस यही करती हूँ मैं ऑलमोस्ट। आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोग क्या करते हो। सो यार, यही ब्लॉग, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। अगर आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे प्रेस कर देना, उसके पास घंटी भी आती है उसको भी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे, आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो गाइस। और आप लोग चेक कर सकते हो मेरा फ़ानी मेकअप चैलेंज जो मैंने लास्ट अपलोड किया था, काफ़ी फ़ानी था, बहुत लोगों को अच्छा लगा। इनफैक्ट इसकी पहले जो पार्ट वन था वो भी बहुत लोगों को अच्छा लगा था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो चेक कर सकते हो अगर आपने मिस कर दिया। तो यार मैं यहीं पर अपनी ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तो या